तो क्या हाल चाल सत श्रीकाल, मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं फैजल सिद्दीकी के बारे में। सो कल मैंने आप लोग को फैजल सिद्दीकी का पूरा स्टोरी बताया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो उसी स्टोरी पे एक अपडेट है। देन अपेरेंटली आमिर सिद्दीकी हैज बीन एक्सपोज्ड अगेन, उनके अगेंस्ट कुछ चैट्स लीक हुए हैं जहां पे वो गालियां दे रहे हैं क्रिएटर को एंड ऑल्सो धमकी दे रहे हैं कि उनका वीडियो टेक डाउन करवाएंगे। ऑल्सो फाइनली टिकटॉक इंडिया रिस्पॉन्ड किया है टुवर्ड्स ऑल दिस बैन टिकटॉक एंड जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स का वीडियोज आ रहा है बाहर, तो मैं टिकटॉक का भी रिस्पॉन्स दिखाऊंगा आप लोग को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग बहुत क्लोज आ रहे हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के एंड हम लोग का नेक्स्ट टारगेट है 900K। तो भाई हम लोग बहुत ही क्लोज है, तो बस एक लाल वाला बटन जो सब्सक्राइब का है उसको प्रेस कर दो, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। एंड ऑल्सो मेरे को एनालिटिक्स में दिखा है कि 60% से भी ज्यादा लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किए, तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार। एनीवेज अब हम लोग फर्स्ट स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोग को फैजल सिद्दीकी का पूरा स्टोरी बताया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उनके साथ। मैंने आप लोग को बताया था कि रेखा शर्मा जी जो कि चेयरपर्सन है ऑफ NCW इंडिया, NCW मींस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो फैजल सिद्दीकी के वीडियो के अगेंस्ट एक्शन ली थी बाय राइटिंग टू DGP ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल्सो टिकटॉक इंडिया। तो टिकटॉक इंडिया ने कुछ एक्शन लिया फैजल सिद्दीकी के अगेंस्ट, वो एक्शन क्या है हम लोग रेखा शर्मा जी का ट्वीट रीड कर लेते हैं। माई ऑफिस हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय टिकटॉक इंडिया दैट फैजल सिद्दीकीज अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। एंड जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो चुका है। अब अगर हम लोग फैजल सिद्दीकी का अकाउंट को खोलेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने कल आप लोग को बताया था कि तजिंदर पाल सिंह ही ट्वीट किए थे रेखा शर्मा जी को कुछ एक्शन लेने के लिए। वो फिर से एक और ट्वीट किए एक वीडियो का जो कि मैं आप लोग को प्ले करके नहीं दिखा सकता, बट मैं इस ट्वीट का लिंक जरूर दे दे रहा हूँ नीचे, अगर आपको जाके देखना है आप जाके देख सकते हो। इट्स बेसिकली अ टिकटॉक वीडियो जहाँ पे रेप वगैरह को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो ये वीडियो वो शेयर किए रेखा शर्मा के साथ एंड वो रिस्पॉन्ड की, आई एम ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट दिस टिकटॉक इंडिया शुड बी बैन टोटली एंड विल बी राइटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट नॉट ओनली हैज दिस ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज बट ऑल्सो पुशिंग यंगस्टर्स टुवर्ड्स अनप्रोडक्टिव लाइफ वेर दे आर ओनली लिविंग फॉर अ फ्यू फॉलोअर्स एंड इवन डाइंग व्हेन नंबर डिक्लाइन। तो फैजल सिद्दीकी के अगेंस्ट एक्शन लेने के बाद वो चाहती है कि पूरा टिकटॉक इंडिया ही बैन हो जाए इस कंट्री से एंड इस चीज के बारे में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इन्फॉर्म करेगी। तो ये सब सारी चीजें देखने के बाद टिकटॉक इंडिया हैड टू रिस्पॉन्ड क्योंकि ये बहुत ही ऊपर चले जा रहा है ये चीज। तो फाइनली टिकटॉक इंडिया अपना एक स्टेटमेंट दिया ट्विटर में, अगर आपको ये पूरा स्टेटमेंट रीड करना है तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो, बट मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। ये बेसिकली एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि टिकटॉक का कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है एंड वो इन गाइडलाइंस को काफी ज्यादा सीरियसली लेते हैं। लास्ट कुछ दिनों में कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पोस्ट किया गया था उनके प्लेटफॉर्म में, उसको वो रिमूव किए हैं एंड इवन अकाउंट्स भी रिमूव किए हैं। मेनली आई थिंक यहाँ पे वो फैजल सिद्दीकी के बारे में ही बात कर रहे हैं एंड वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी काम कर रहे हैं इस चीज में। फिर वो लिखे, वी विल कंटिन्यू टू वर्क टू क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरमेंट फॉर आर यूजर्स एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। एंड फिर नेक्स्ट इमेज में वो दिखाए कंटेंट डूज एंड डोंट्स, कि कैसा कंटेंट वो अलाउ करते हैं एंड कैसा वो अलाउ नहीं करते अपने प्लेटफॉर्म में। सो लाइक टिकटॉक इंडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट जा रहा है नॉट ओनली बाय द यूजर्स एंड ऑडियंस, क्योंकि उनके प्ले स्टोर में लाइक 2 स्टार का रेटिंग हो गया है, बहुत ही ज्यादा लोग उसको 1 स्टार रेटिंग जाके दे रहे हैं, बट ऑल्सो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज पुश किया जा रहा है एंड ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है टिकटॉक इंडिया के अगेंस्ट, जैसा कि मैंने आपको रेखा शर्मा का ट्वीट रीड करके बताया। I saw a TikTok video of a person throwing a dog in water with his limbs tied up. I spoke about content like these when TikTok was banned last year. But seems like they still don't have any content moderation. Hashtag banned TikTok in India. And jaisa ki main already bol chuka hu, ye hashtag trend kar raha hai India pe number 1 on Twitter. And also none other than Paresh Rawal bhi is cheez ke bare mein tweet kiya, unhone likha banned TikTok. To chaliye ab next story ke bare mein baat karte hain, hum log baat karne wale hain Aamir Siddiqui ke bare mein. To ek YouTuber hai by the name of T7 Lifestyle, aaj wo apne channel mein ek video upload kiye. Aamir Siddiqui इंस्टाग्राम चैट्स लीक्ड एक्सपोजिंग आमिर सिद्दीकी एंड अडनान 07 फॉर डिलीटिंग माय वीडियो। इस वीडियो में वो बताया कि आमिर सिद्दीकी उनको इंस्टाग्राम में रिप्लाई किए थे एंड रिप्लाई काफी गंदे तरीके से किए थे। लाइक मैं चैट्स आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, वो गालियां वगैरह दे रहे थे, देन धमकियां दे रहे थे कि वो इंस्टाग्राम ID हैक करवा देंगे, उनका यूट्यूब वीडियो टेक डाउन करवा देंगे एंड स्टफ लाइक दैट। एंड उनका एक वीडियो जस्ट 3-4 घंटा पहले ही टेक डाउन हुआ था जो कि कैरी मिनाटी के वीडियो के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो था। तो ही इज अक्यूजिंग आमिर सिद्दीकी ऑफ टेकिंग डाउन हिज वीडियो। सो या अगर आपको उनका वीडियो देखना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो फाइनली इस वीडियो को खत्म करते हैं ऑन अ गुड नोट। कैरी मिनाटी का जो वीडियो था स्टॉप मेकिंग अजम्पशंस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड वाला, वो वीडियो ने वापस से कैरी मिनाटी को टाइटल दे दिया ऑफ द मोस्ट लाइक्ड इंडियन यूट्यूब वीडियो। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू कैरी फॉर दैट। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक पोल रख रहा हूं मैं राइट साइड में, उस पोल को जरूर आंसर करना। आपने देखा होगा लास्ट हफ्ता 10 दिन से मैं मेनली यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाले स्टोरीज कवर कर रहा था क्योंकि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफी बड़ा चीज था, बट नाउ दैट इट्स डाइंग डाउन
जोन ये खत्म हो रहा है एंड बाकी सारे जो न्यूज थे लास्ट हफ्ता 10 दिन से वो सब मिस हो गए हैं, तो क्या मेरे को एक रिकैप वीडियो बनाना चाहिए कि जो जो मैं चीज मिस किया हूँ उस चीज को मैं अपने नए वीडियो में ऐड करूंगा एंड पूरा एक बनाऊंगा वीडियो। सो डू लेट मी नो पोल को आंसर करके येस और नो। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।